सभी से हम निवेदन करते हैं जो भी कुछ करते हैं जंगल में रेंटू दूसरी इस टूर्नामेंट में ये विनर्स भेंट किए जा रहे हैं।
ध्यान दीजिए, परिवारों का आशीर्वाद दे रहे हैं। कुरान का जिस मिस्टर इंडिया साईं जी, शिवा 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 जी, इमरान पहलवान, अर्थाधर्ता थर्ड, ये टीम चैंपियनशिप विक्की सिंह परचा आर्मेजर वीर भगत सिंह केसरी टूर्नामेंट के आर्मेजर है विक्की सिंह परचा जी की ओर से दी जा रही है। इस टूर्नामेंट में टीम चैंपियनशिप ट्रॉफी फर्स्ट सेकंड थर्ड टीम चैंपियनशिप दी जा रही है विक्की सिंह परचा आर्मेजर। मैं शिवा मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर। आजकल का जनरेशन जो है बहुत हमारे लड्डू पहलवान बॉडी बिल्डिंग उन दो जो भी स्पोर्ट्स में जाके बहुत अच्छा नाम करवाना बोल के मेरे साइड से किए हैं। ऐसे दो मैच होगा जैसा एक मैच में एक ऐसे मट्टी में जो कुश्तियाँ हो रही फर्स्ट टाइम जो तेलंगाना में ऐसा देख के बहुत खुशी हो रही एज अ लड्डू पहलवान। दो मैच लगा कि बहुत अच्छा था 65 किलो वाली कुश्ती के बाद में 70 किलो कुश्ती होगी जंग में राजकुमार लाल पट्टी के पहलवान यही सही अक्षय यादव लाल बहादुर स्टेडियम के बी श्रीधर एंड गुरुनवान केसरी आर्मेजर అండ్ ప్లస్ నేషనల్ రెఫరీ అండ్ నేషనల్ మిడిల్ ఈస్ట్ క్రికెట్లో 5 టైమ్ మిడిల్ ఈస్ట్ తెచ్చాను నేను నేషనల్లో సెకండ్ ఫస్ట్ టైం ఇందుకే సెకండ్ టైం ఇట్లా చేపిస్తున్నాము ఒక నేషనల్ ఈవెంట్ లెక్క చేపిస్తున్నాం ఫస్ట్ టైం ఇక్కడ మన తెలంగాణలో ఫస్ట్ టైం అవుతుంది మ్యాట్ అండ్ దంగల్ అవుతుంది అది మహారాష్ట్రమే హోతా ఎసా అవి అంపైర్ అప్నే తెలంగాణ మే హోరా ఎసా అవి బోత్ హోనా బోల్ కే రెస్లర్ కు और गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के तरफ से मेरा भी कुछ हेल्प मिले और जो रेफरी भी वो मुझे अभी तक जॉब भी नहीं मिला और गवर्नमेंट केसीआर सर से चाहता हूँ जॉब मिले लाने वाले रेसलर और साक्षी मालिक और इंटरनेशनल मिडिल लिखा है थे अभी अपने पास भी बच्चा भी गीता पकड़ के बोलते अभी तक आज फर्स्ट डे फाइट चल रहा है अभी तक 50 फाइट्स खत्म हो गए नेशनल प्लेयर भी लड़ा उसने और स्टेट लेवल प्लेयर भी लड़ा अभी कल सेकंड डे होगा और 8th को फाइनल होगा और मेरे तरफ से सबको बधाई थैंक यू। साईं कुमार चौहान निकी जय भीम मैं विक्की सिंह पाचा वीर भगत सिंह केसरी का बहुत ही अच्छी है लड्डू से पहलवान ने करवाई है और मैंने भी करवाई थी मेरे भी बहुत ही अच्छी सक्सेस हुई भगवान से लेकिन ये सब तो दंगल हो रहे हैं लड़ रहे हैं पहलवान हर चीज़ चल रही है लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी किसी पहलवान को ना कोई सहयोग कर रही है ना को तो कुछ उनको मदद कर रही है खाली बेचारे पहलवान लड़ रहे हैं अपने घर ही में रह जा रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट तेलंगाना से ये रिक्वेस्ट है जैसा अभी हमारे लड्डू सिंह कोस ने कहा लड्डू पहलवान ने कि NNS होने के बाद भी उनको कुछ ड्यूटी का आसरा नहीं है ऐसे कोई कितने ही नेशनल पहलवान है गोल्ड मेडल है ब्रॉन्ज मेडल है सिल्वर मेडल है बेचारे नेशनल तक जा रहे वापस आ जा रहे कोई उनको ड्यूटियों का सहारा नहीं मिल रहा और कुछ नहीं हो रहा और जितने भी दंगल चला रहे हैं मैं वीर भगत सिंह केसरी की तरफ से जितना भी मेरे से सहयोग होगा मैं उनके लिए करूँगा। यूथ के वास्ते क्या संदेश अभी यूथ के लिए तो ये संदेश है जो भी अपने पहलवान
है जो भी नशा कर रहे हैं या कुछ शराब बुरा पी रहे हैं ये मत पिए, और जो भी नए जो बन रहे हैं करिए, बॉडी बिल्डर बनिए, वही अपने देश का नाम ऊंचा करिए। पीने खाने से क्या होगा, आप शहद के नुकसान करेंगे और कुछ आपको फायदा नहीं मिलेगा। अब मैं ये जो वीर भगत सिंह के सी करवाया हूँ, ये मैं क्यों करवाया हूँ कि भाई जो भगत सिंह का नाम है वो कम उम्र में देश के लिए शहीद हुआ था, भाई कम उम्र में पहलवान गोल्ड मेडल लाए, नेशनल को जाए, ओलंपिक को जाए, अपने देश का नाम रोशन करे, भाई ड्यूटी का उनको कुछ आसरा मिले, भाई यहाँ से उनको कुछ अपना कार्यकर्ता करे। और पुराना जो लड़ना देखते थे अपन, वो भी जो मोमेंट पहलवान जी जोर से दिए जा रहे हैं ऐसे और इतना अच्छा सुंदर टूर्नामेंट इस प्रांगण में पहली बार होने जा रहा है। धरती और मिट्टी का दोनों को मिलाकर एक साथ सुंदर ढंग से आयोजन किया है। सुंदर पहलवान, धन्यवाद। चलिए 65 किलो वाले पहलवान जी सागर, मेरे तरफ से सहयोग ऑर्गेनाइज करता हूँ और साउंड और अपने शेख उस्मान विजयलाल पहलवान अपने इंडिया के मिस्टर इंडिया के बॉडी बिल्डर जो भी आने से और ये रौनक शेख उस्मान विजयलाल पहलवान सईद साजिद उमर अजीलाल भाइयों से यही गुजारिश है कि अधिक से अधिक बच्चों को बढ़ावा दें और आगे बढ़ें।